समय नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु और वेलकम टू हार्ट टॉक विद डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। डॉक्टर साहब पाकिस्तान के हालात हाजरा पे तबसरा करते हैं और नॉर्मली इस प्रोग्राम में आप मोहतरमा आरफा मुजफ्फर जी को देखते हैं। आज आरफा जी कुछ मसरूफियात के बिना पर इस प्रोग्राम में तशरीफ़ नहीं ला रही हैं, तो आज इस कुर्सी पर आमिर साहब आपके साथ और हमेशा की तरह डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब हमारे सवालात का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हयाकल्लाह व बारकल्लाहु फी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। हमारा मुल्क वो तो हमेशा बड़े एक्साइटमेंट के दौर पर से गुजर रहा होता है, कुछ ना कुछ वहाँ हो रहा होता है। आज कुछ सवालात हैं जिस पे मैं चाहूँगा कि आप उनका तजिया और तबसरा करें। मेरा पहला सवाल ये है कि एक मरतबा फिर दहशतगर्दों ने पुलिस लाइंस पिशावर के बाद कराची पुलिस ऑफिस पर हमला करके खौफ व हरास पैदा कर दिया है, क्या वजह है कि दहशतगर्द अब पुलिस को निशाना बना रहे हैं? لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم امين يا رب العالمين لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا باری تعالی کی ذات گرامی پر اور لاکھوں کروڑوں حمد درود درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ महज भाई, इसमें कोई शक नहीं कि सब मुल्क माशी अबतरी और सियासी इंतशार में बुरी तरह मुबतला है और आपने सवाल भी बड़ा ज़बरदस्त किया है। बस बात यह है, अगर तारीखी तौर पर अगर आप देखें, सिर्फ चंद साल कबल अगर आप अफगानिस्तान के अंदर जब रशिया भी आया और उसके बाद अमेरिका भी आया, तो आप ये देखिए कि सबसे पहले वहाँ भी यानी बाकायदा एक पॉलिसी के तहत वहाँ की पुलिस पर अटैक किया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस को कमज़ोर किया जाए क्योंकि पुलिस अंदरून अमन आमा के लिए जिम्मेदार होती है और शहरों से वाकिफ भी होती है, क्योंकि फौज शहरों से वाकिफ नहीं होती, पुलिस होती है वाकिफ होती है। और शहरों में इंतशार पैदा करने के लिए, बददली पैदा करने के लिए और पुलिस पे बार बार हमला करते पुलिस के अंदर बददली पैदा कर दी जाए ताकि पुलिस फोर्स टूट जाए। और लाजमी बात है कि जब अंदरून खाना अमन अमान ख़राब होगा तो लाज और बाकी इस पर फौज पर भी असर पड़ेगा, मुल्क के मोरल पर भी असर पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी वजह है और ये बड़ी एक टेक्टिक है, यानी जो दुश्मन ममालिक हैं पाकिस्तान के अंदर वही टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले कभी अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुई थी। और हमले हमारी पुलिस सिस्टम की नाकामी है या हमारी पुलिस को ऐसे हमलों से निपटने के लिए तरबियत ही नहीं दी जा रही? भाई आपने ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है और ये सवाल बड़ा जामे जवाब का मतकाजी है। मैं इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपको लेके चलूंगा कि भाई आप देखें कि जैसे मैंने अभी गुफ्तगू के आगाज में जो बात कही मैंने, आप देखिए कि हैरत अंगेज तौर पर, मैं हैरत अंगेज का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि पहले पेशावर पुलिस लाइन पे हमला हो चुका है, उसके बाद तो पुलिस को तो भारत हर वक्त ही अलर्ट होना चाहिए ऐसे हमलों के लिए, लेकिन ऑलरेडी पेशावर पुलिस लाइन में बड़ा बड़ा संगीन किस्म का हमला हुआ है बड़ा, और उसके बाद तो हमेशा हमें रहना चाहिए जितने हमारे पुलिस सेंटर थे, लेकिन दहशतगर्दों ने कराची भी पेशावर इधर पुलिस की बड़ी इमारत को हमले का निशाना बनाया। और सिंध पुलिस ने केपी पुलिस यानी कराची पुलिस जो है यानी पेशावर की केपी पुलिस से भी ज़्यादा नाअहली और मुजरमाना का उसका गुजारा किया है। अब कराची पुलिस ऑफिस होने वाले हमले के हवाले से इंतहाई हैरतअंगेज़ तफसीलात सामने आई हैं और ये हमला पेशावर हमले से भी ज़्यादा पुलिस की मुजरमाना गफलत और SOPs के खिलाफ वर्जी और सिक्योरिटी की नाकामी है। मैं ये जो मैंने कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ, जबकि इस हमले की इतला इंटेलिजेंस पहले से मिल चुकी थी। आप देखिए ना, हमले से चंद घंटे कबल IG ने भी सिक्योरिटी सख्त करने का हुक्म दिया था। दहशतगर्दों ने कराची पुलिस आवास पर 18 फरवरी शाम 7 बजे या 8 बजे के करीब हमला किया और पुलिस और वो कहते हैं जी पुलिस वर्दी में मौजूद 5 दहशतगर्द जो है एक टोटा कार पर आए और पुलिस ऑफिस के गेट पर ग्रेनेड से धमाका करके अंदर दाखिल हो गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि खुदकुश थे ऑफिस की पिछली जानब से दीवार फलांग कर दफ्तर में दाखिल हुए।
दहशतगर्द पूरी तसल्ली और इत्मीनान के साथ 5 मंजिला इमारत के दाखिल दौरान पर इकट्ठे हुए। ये मैं जो फिल्म देखी, मैंने जो वीडियो जो बनी अंदर की, उसके बाद में बात मैं कर रहा हूँ कि ये बगैर किसी रिकॉर्ड के 3री मंजिल पर बाकी एडिशनल IG के दफ्तर पहुंच गए। इनमें 2 दहशतगर्द 3री मंजिल पर, 2 4थी मंजिल पर, 2 5वीं मंजिल पर और 1 छत पर चला गया। यानी इस दौरान उन्हें किसी जानब से किसी तरह की मुलाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। कितनी हैरतअंगेज बात में मैंने कहा ना, यानी बहुत आसानी के साथ बिल्डिंग पर कब्जा करने में वो कामयाब हो गए। ग्रेनेड हमले में एक पुलिस एहलकार जो गेट पर मौजूद था जख्मी हुआ। उसकी इतला पर 15 मिनट के बाद पुलिस का पहला दस्ता कराची पुलिस ऑफिस में दाखिल हुआ, जिस पर दहशतगर्दों ने अंदर से फायरिंग शुरू कर दी। इसके साथ ही रेंजर्स का दस्ता भी आ गया, जो कि एक ब्रिगेडियर की क्याद में उसने 3रे और 4थे फ्लोर पर दहशतगर्दों को एंगेज किया और उनके खिलाफ कार्रवाई की। सबसे अहम बात यह है भाई कि दहशतगर्द बिला मुज़ाहमत इमारत में दाखिल होने में कामयाब किस तरह हो गए। यानी जिस वक्त दहशतगर्द इमारत में दाखिल हुए, उस वक्त सिक्योरिटी स्टाफ की शिफ्ट तब्दील हो रही थी। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की क्याद में ड्यूटी छोड़ने वाले पुलिस फोर्स और ड्यूटी पर आने वाली फोर्स कुछ सिविलियन मेहमानों के हमराह, जिनमें सहाफी भी शामिल थे, ग्राउंड फ्लोर पर सिक्योरिटी स्टाफ के मीटिंग रूम में बैठे शराब से लुत्फानंदोज हो रहे थे। यानी सहाफी के मुताबिक ये उस ऑफिस में रोज का मामूल है, शराब पीना और नाव नौश की मजलिस चलती है वहां पे। दहशतगर्द की जानब से ग्रेनेड का हमला होते ही इस पार्टी में मौजूद तमाम लोग और मौजूद जितने दीगर पुलिस अहलकार थे भाग कर बाहर चले गए, बजाय को मुकाबला करते भाग कर बाहर चले गए बुजुर्गी की तरह। अब मतलब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इतनी ज्यादा पी चुका था कि उसे होश ही नहीं था आया। उसे आने वाले पुलिस दस्ते ने गिरफ्तार किया पहले, उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बजाय उनका पेटी भाई है ऐसे उसके घर जाकर उसे छोड़ दिया, उसे कुछ नहीं कहा। यानी पुलिस को पहले से इंटेलिजेंस अदारों की जानब से इतला मिल चुकी थी कि जुमे के रोज कोई हमला हो सकता है। पर यही वजह है कि जुमे के बाद हमले से चंद घंटे कबल IG सिंध गुलाम अली मेमन ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के वॉच टावर पर खुद जाकर मोर्चे और अकबी एमरजेंसी गेट की सिक्योरिटी चेक की और हदायत भी जारी की। अब अहम सवाल यह है कि कराची पुलिस ऑफिस की इंतजामिया ने IG की हदायत पर सिक्योरिटी बढ़ाने की बजाय सिक्योरिटी मुकम्मल जो थी वो मुकम्मल तौर पर क्यों खत्म कर दी, जिसकी वजह से दहशतगर्दों को CPO की बजाय KPO पर हमला करने में आसानी रही। यानी हमले के बाद मुरतब करता जो इंटेलिजेंस की बताई रिपोर्ट के मुताबिक हमले के वक्त 3 चौकियों में से किसी में भी कोई अहलकार मौजूद नहीं था। अंदाजा करें कराची पुलिस ऑफिस और इससे मलहका पुलिस लाइन सदर क्वार्टर्स में दाखिले का कोई सिक्योरिटी गेट ही नहीं। अकबी दीवार पर खादा तार टूटी हुई है, यानी KPO के मरकजी शाहरा पर CCTV कैमरा भी मौजूद नहीं है। सिर्फ अतराफ में साइड्स पे कुछ है मौजूद। और इस हमले में भी पुलिस की नाहली या मुजरमाना गफलत सामने आ गई कि सिक्योरिटी का कोई इंतजाम था ही नहीं सिरे से, जिसकी वजह से दहशतगर्द बड़ी सहूलत के साथ पूरी इमारत पर काबज हो गए। आखिर वो 1 महीना रैकी करते रहे, वो पूरी दहशतगर्द जो थे रैकी करने के बाद आए यहाँ पे। ये आपके सामने इंकशाफ इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई कर नहीं बता नहीं रहा ये खतरनाक सूरत हाल को। यानी ऑपरेशन में तन्हा रेंजर ने, जो रेंजर थी उन्होंने तन्हा जो है मुकम्मल किया ऑपरेशन को, पुलिस नहीं उनके साथ वहां। बाद में DIG मुकद्दस शाह ने मरे हुए दहशतगर्द को गोलियां मारकर जाली वीडियो सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दी, जिसमें खुद दहशतगर्द को मार रहे हैं। अब DIG खुद मारता है, आपको पता चल गया होगा, साफ पता चलता है कि ये फेक वीडियो बनाई गई है। अब मारे जाने वाले 3 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई है। 3री मंजिल पर खुद को हमला करने वाले दहशतगर्द की शिनाख्त जो है शिमाली बलोचिस्तान का जाला नोरो और उसके बाप का जुबैर रहमान नाम से हुई है। दूसरा दहशतगर्द वो लकी मरबत का कफायतुल्ला मिर्ज अली उसका वह, और तीसरा मजीद बलोच के नाम से हुई है। उसके जो मजीद बलोच के पास जाली शनाख्ती कार्ड पर उसका एड्रेस वजीरिस्तान लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि हमारे नादरों को भी खबर लेनी चाहिए कि वहां से भी शनाख्ती कार्ड बन रहे हैं, जाली बन रहे हैं, जो कि अब ये बकायदा ये ग्रुप जो है दहशतगर्दों का वहां से ये कार्ड बनवाते हैं। फिर दीगर दोनों के पास से कोई दस्तावेज नहीं मिली, उन्हें फिंगरप्रिंट से शिनाख्त किया गया जो दूसरे 2 दहशतगर्द थे। अब दहशतगर्द के पास से जो बरामद गाड़ी कराची के इलाके भैंस कलोनी नंबर 6 के एक शहरी के नाम दर्ज थी। अब गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि जी उसने तो गाड़ी एक शोरूम में फरोख्त 204 में फरोख्त कर दी 2014 में। अब शोरूम मालकान की तलाश तो अभी जारी है, अभी ये सुनने में आया है कि उसके पुराने मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब कराची पुलिस ऑफिस में हमला करने वाले दहशतगर्दों के हवाले से जो मालूम हुआ है कि उन्हें इमारत की मुकम्मल मालूम थी, यहां तक कि वो एडिशनल IG कराची के दफ्तर से भी आगाह थे। यानी मेरी इतला के मुताबिक दहशतगर्द 1 माह तक, जैसे मैंने कहा, रैकी करते रहे वहां पे, एक एक चीज से वाकिफ हो गए थे वो।
एडिशनल आईजी कराची के दफ्तर पर दहशतगर्द पहले भी आ चुके थे। दहशतगर्द पर कब्जे से 2 SMG मिली हैं, जिनमें 1 SMG का नंबर मिटा हुआ है और मिलने वाले कलाशनिकोव के बट पर लाल रंग लगा हुआ है। और काम का कहना है कि जी हमलावरों ने 4 दस्ती बम इस्तेमाल किए जो फटे नहीं। मिलने वाले 4 दस्ती बमों की पिनें निकली हुई थी, 2 खुद कुश जैकेट मिली हैं 7-7, 8-8 किलोग्राम की। दहशतगर्द के कब्जे से बड़ी तादाद में बॉल बैरिंग भी मिले हैं। दहशतगर्द के पास खाने की अशिया भी थी, गोया उनका प्रोग्राम तो कई दिन रहने का था वहां पे, और वो पता नहीं कि लंबा को और सुबह था उनका, कहीं को उन्होंने यरमाल बनाना था या क्या करना था। अब इन दहशतगर्द को 10 के 10 के ईस्टर्न ग्रेनेड भी थे इनसे मिले हैं, जिसमें 2 इस्तेमालशुदा मिले हैं। अब फिर फिर सवाल ये है, और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि दहशतगर्दों के हवाले से पुलिस, इंटेलिजेंस राय और मौके पर मौजूद एनी शाहदीन जो है उनकी तफसीलात के मुताबिक अमारत में 8 दहशतगर्द दाखिल हुए थे, जबकि ऑपरेशन खत्म हो जाने के बाद सिर्फ 3 दहशतगर्दों का जिक्र है। जबकि रेंजर जो ऑपरेशन कर रहे थे उनका कहना है कि कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई। मेरी इतला के मुताबिक अमारत में दाखिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 8 थी, जिनमें 5 पुलिस की वर्दियों में थे जो सामने के गेट से अंदर दाखिल हुए। इंटेलिजेंस राय के मुताबिक ये पांचों दहशतगर्द पुलिस की नाहली का फायदा उठाते हुए सैकड़ों की तादाद में हमारे पास जो घुसाने वाले खौफजदा पुलिस अहलकारों के अंदर शामिल होकर फरार होने में कामयाब हो गए। अब रेंजर के जराये ने कहा है कि रेंजर तीसरे और चौथे फ्लोर दहशतगर्दों को हैंडल कर रहे थे। जो लोग इनके सामने आए उन्होंने मार दिया। अब दीगर 5 दहशतगर्द बारे में यकीन से कहा जा सकता है कि वो पुलिस की बदहवासी का फायदा उठाकर फरार हो गए। वो कहाँ है, वो उनकी तस्वीरें कहाँ हैं, क्या उन्हें तलाश किया जा रहा है? सवाल तो ये है कि दहशतगर्द मरकजी दरवाजे में दाखिल हुए, उन्होंने दस्ती बम का धमाका किया तो उसके जवाब में पुलिस की सिक्योरिटी की जानिब से पर गोलियां क्यों ना बरसाई गई? वो मुकम्मल सहूलत के साथ ना सिर्फ मात्र में दाखिल हुए बल्कि तीसरी मंजिल पर एडिशनल आईजी के दफ्तर तक जा पहुंचे और उन्हें कोई मुजामत ही नहीं मिली। अब कराची में जो हुआ इस पर कोई दूसरी राय मुमकिन ही नहीं कि पुलिस की सरीहन नाकामी थी। इस पर पर्दा डालना, शुहदा के खून की आड़ में नाकामियों और नाहिलियों को छुपाना बजाते खुद दहशतगर्दों की मदद करने के मुतरादिफ है, जिसे किसी के अंदर काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता। मेरा ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला सिंध, और वज़ीर दाखिला सिंध उनको चाहिए कि इस खुली नाकामी और मुजरमाना गफलत की जिम्मेदारी कबूल करें और आईजी से लेकर SHO तक सबको मुअत्तल करके गिरफ्तार शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। ये को आम बात है, मुल्क की सिक्योरिटी पे हमला कर दिया आपने, करोड़ों अरबों रुपया आपके बजट में हम खर्च करते हैं और जब काम की बारी आती है तो आपकी नालायकियां जो है हमें सारी दुनिया के अंदर निक्कू बना कर रख देती है। सिक्योरिटी का जो आलम कराची पुलिस ऑफिसर में सामने आया है, इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो भाई लोग अपने घरों की कर लेते हैं। इतनी आसानी से तो कोई किसी गैर मुसल्ला शहरी के घर में दाखिल नहीं हो सकता जिस सहूलत से ये दहशतगर्द कराची पुलिस के दफ्तर में जा घुसे, 5 मंजिला मार्ग में जा घुसे। दहशतगर्दी की इस वारदात ने कराची पुलिस की सलाहितों और प्रोफेशनलिज्म को बेनकाब करके रख दिया, क्योंकि आपने जो सवाल किया ना कि क्या तरबियत है या इनकी काबिलियत क्या है, यानी जिस फोर्स ने अवाम की हिफाजत करनी है, जिसने शहर में मौजूद दर्जनों हसास मकाम, गैर मुल्की मिशन और हुकूमती शख्सियात और इमला की सिक्योरिटी यकीनी बनानी है, उनका अपने दफातर में सिक्योरिटी का ये आलम है कि चंद दहशतगर्द इतना ही आसानी के साथ पूरी इमारत पर कब्जा कर लेते हैं। अब इन्होंने ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? हमारे जितने भी VVIP हैं उन्होंने पुलिस के सिक्योरिटी अपने साथ रखी हुई है, यानी उनकी सिक्योरिटी ज्यादा मजीज है, जो मुल्क की सलामती के जो दफातर हैं, जो मिशन हैं, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल ही नहीं है। तो इस आपके सवाल के जवाब में आपको बताना चाहता हूं कि ये 100% मैं समझता हूं कि है ये हमारी पुलिस की नाअहली की वजह है, और तहकीक होनी चाहिए कि उस पहले दफ्तर के ऊपर जो लोग हर रोज शराब पीते हैं, नाव नोश की वजह से जाते हैं, वो क्यों होता है वहां पे? ये तो पूरा आपने किस्सा तो बता दिया पूरा वहां पर, और मगर इसका जिम्मेदार कौन है? अब इसकी तफ्तीश कैसे होगी, कौन किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? देखिए पाकिस्तान में जो बातें मैंने आज आपसे की हैं, ये बातें पाकिस्तान में किसी ने की ही नहीं अभी तक जो मैंने आपसे बातें की। ये आपके तोसर से ये बातें सारी मैं बोल रहा हूँ ताकि काबिलियत तक नहीं पहुंचे बल्कि अवाम तक भी ये बातें पहुंचे, ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता चले कि हमारी पुलिस जो है वो अपने दफातर में क्या करती है, अपने दफातर बैठ सिक्योरिटी की बजाय वो खुद किस रंग रंगने में मसरूफ है, पाकिस्तान की बात क्या करेगी। यानी सारा बजट जो है पाकिस्तान के गरीब अवाम, हमारे टैक्सों से खून चूस चूस के जमा किया जाता है, जो इन पर लगाया जाता है, लेकिन इनका अपना ये हाल है कि शाम होते ही मतलब ये शराब पीने में मसरूफ हो जाते हैं।
वो जो आप देखिए ना, जो फिल्म बकायदा टीवी पे हमने देखी है, दहशतगर्द जो है बड़ी आजादी के साथ घूम रहे हैं, तमाम दौलतें मिल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, अपने साथ राशन का पूरा सामान लेके आए हुए थे, पर पूरे पीछे बैग बांधे हुए उन्होंने, इसका मतलब वो लंबा चौड़ा उनका प्रोग्राम था वहां पे आने का। अब ये क्या कर रहे थे पुलिस वाले, ये कुछ छोटा छोटा कुछ छोटा सा थाना थोड़ा है, 5 मंजिला हमारा था ये, इसमें एडिशनल आईजी बैठते हैं, मतलब और बड़े अफराद में बैठते हैं, ये क्या बात हुई। अगर खुदा ना खास्ता उस वक्त हमारी दफातर में एडिशनल आईजी होते और दूसरे ऑफिसर होते लोग होते, तो सब तो यरमला बना लेते। आपको पता है फिर यरमाली यरमालों के क्या क्या इनके मुतालबे होते हैं, ये सारा मामला, ये को इतना कोई यानी ये बड़ा हौलनाक काम है, ये अल्लाह ताला ने आपको जो बचाया है वहां पे। लेकिन ये है कि हमारे इन अदारों की हर हाल में तहकीक होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आईजी से लेके एसएचओ तक सबको मुअत्तल करना चाहिए, और मुअत्तल करके इनकी तहकीक होनी चाहिए, इन पर तफ्तीश होनी चाहिए, और तहकीक के लिए बाकायदा हमारी जो अदालत अदालत हमारी आला अदालत है उसे जीआईटी में आनी चाहिए अपनी निगरानी के अंदर, और इसकी निगरानी उस जीआईटी में बाकायदा फौज भी और आईएसआई वगैरह ये सारे अदारे शामिल हो उसके अंदर, और क्योंकि ये मुल्क की सलामती का मसला है, ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए साहब, अब आते हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब। आज लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के मामले से खासी हुल्लड़बाजी देखने को मिली है, जबकि इमरान खान तो ख़ुद अपनी तकरीरों में ये कहते आए हैं डॉक्टर साहब कि कानून सब के लिए एक जैसा होना चाहिए, तो फिर ये सारा हंगामा क्यों है? यही दुख की बात है। बात ये है कि मैं बड़े अदब के साथ जो इमरान खान साहब के हामी हैं, किस ज़माने में हम भी इसकी हमायत करते थे, और यही असूल थे, हम चाहते थे कि मुल्क के अंदर जो नाइंसाफ़ी चल रही है, इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ इस मुल्क के अंदर को ऐसा इनकलाब आना चाहिए, और इमरान खान साहब ने इब्तदा में यही हमेशा मिसालें दिया करते थे कि इसलिए वो माशरे वो कौमें तबाह हो गई कि वहाँ पर अमीर के लिए एक और कानून होता था, गरीब के लिए एक और कानून होता था। आज मुझे टीवी पे ये चीज़ें देख के बड़ा सदमा हुआ, पिछले 2-3 दिन से बकाया तौर पे अदालतों ने बुला रही है, आप आ जाएं, यहाँ आए पहुँचे, वो आ नहीं रहे, कभी कोई बहाना। क्या आप कनाडा में हैं, मैं या इंग्लैंड में हूँ, क्या आप सोच सकते हैं कि अदलिया के सामने यहाँ कोई भी इस तरह का कोई बिहेवियर कर सकता है अदलिया के सामने? यहाँ तो बताने की अदालत में तो बकायदा आजकल जो हमारे बादशाह हैं चार्ल्स ये वली थे, इनको अदालत ने बुला लिया था, नोट्स देकर बुला लिया था, और उन्होंने उनके दफ्तर से बात भी मामूली थी, गाड़ी का एक चलान था जिसके ऊपर बुलाया गया, तेज रफ्तारी का एक चलान था जिस पर बुलाया गया था, और बकायदा पेश होना पड़ा उन्हें हालांकि बहुत उन्होंने कहा भी किस तारीख को मेरा दौरा है जापान का और हुकूमत की सरकारी सतह में दौरा, उन्होंने कहा नहीं अदालत के पास वक्त नहीं, आपको इस तारीख पर आना पड़ेगा, उन्हें जापान का दौरा मुअक्खर करना पड़ा और अदालत में आना पड़ा, अपोलॉजी की बकायदा तौर पर, और उन्हें जो आम शहरी को जुर्माना होता था उससे ज्यादा जुर्माना जज ने इसलिए किया, उसने कहा कि आपको तो मॉडल होना चाहिए, आप मॉडल हैं इस मुल्क के, इसलिए मैं आपको ज्यादा जुर्माना कर रहा हूं, और साथ ये भी कहा कि इससे ज्यादा जुर्माना करने की मेरे इख्तियार में नहीं है। आप इमरान खान साहब तो एक मॉडल है, इनकी जमात का नाम ही इंसाफ तरीके इंसाफ है, इन्हें तो चाहिए था कि पहले दिन ही ये वहां पे चले आते, और बहुत से मुझे से जो लोग हैं उनके दिल पे ये बात ना घराना गुजरते जो मैं कह रहा हूँ। देखिए बात यह है कि जो हमारे जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं उनके उनके बारे में तो कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में हम कह चुके हैं कि उन्होंने यानी उनकी उन्होंने अपनी हुकूमत में आके क्या किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा वक्त तो उन्हें भी नहीं मिला, या हुकूमत ने वक्त दिया तो उन्होंने कहा मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, ये हुकूमत ने मैं देख रहा था कि जैसे जज बेबस हो गए। अगर डॉक्टर साहब आप देखें तो फिर उनको ये भी तो कहा जा रहा है ना कि उनकी जान को खतरा था। देखिए हर शहरी के जान को खतरे की जान तो रियासत उसकी जिम्मेदार है, रियासत उसके मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है, अगर इमरान खान साहब की जान को खतरा है तो पूरी रियासत उसकी जिम्मेदार है। मैं आप जब इमरान खान साहब पे वजीराबाद पे हमला हुआ था तो उसमें भी मैंने बड़े सब 2-3 प्रोग्राम किए थे, और मैंने कहा था ये सरासर ये उन्होंने कहा कि अदालत में है मुकदमा है, मैंने कहा ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो बार बार कहा जी इमरान खान साहब ने अपनी भी सिक्योरिटी रखी हुई है, या चाहे इमरान खान की अपनी सिक्योरिटी भी थी तब भी हुकूमत की जिम्मेदारी है हर शहरी की हिफाजत करना। अब आज देखे ना आज भी कितने मिनट तरले के बाद तो इमरान खान तशरीफ लाए आए, उनके कबल जमानत बात भी इतनी बड़ी नहीं थी, कबल गिरफ्तारी जमानत थी, उन्हें यह खदशा था कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने वाली है,
उन्होंने इसलिए अपनी बेल बिफोर रेस्ट की दरख्वास्त दे रखी थी, वो जमानत मंजूर भी हो गई। मैं ये कहता हूं कि अगर ये पहले दिन ही आ जाते, दो दिन पहले आ जाते, ये मामला ताखीर का शिकार ना होता, तो पता चलता कि वाकई ये इंसाफ के बारे में कहते। फिर उन्होंने बाद में जब जमानत हो गई उसके बाद बयान देना बयान दिया, उन्होंने कहा जी मैं तो, मेरी जमात का नाम इंसाफ है, मैं तो इंसाफ पे यकीन करने वाला आदमी हूँ। सही बातें। अभी इमरान खान साहब के बारे में और भी बड़े मुकदमात हुकूमत ने मुकर कर रखे हैं। मैं इस आज के इस प्रोग्राम के तवसल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुश्किल हालात के अंदर मुल्क जो है बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है, माशी तौर पर हमारा दिवालिया हो चुका है। इस हालात में यानी आप एक दूसरे के सामने ना खड़े हो, पाकिस्तान के लिए खड़े हो, ये गिरफ्तारी का सिलसिला बंद करें, हुकूमत मतलब हुकूमत को बंद करना चाहिए गिरफ्तारी का सिलसिला मतलब, और बैठ के बात करें, मेज में बैठ के बात करें अपने बातें। दुनिया के ममालिक के अंदर जंगें होती हैं, लाखों अफराद मर जाते हैं, गोला बारूद टनों के हिसाब से इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके बावजूद जब सुलह की बात आती है या कुछ फैसले की घड़ी आती है तो मेज में बैठना पड़ता है। हमारे अंदर तो इतनी बड़ी दुश्मनी तो नहीं कि हम एक दूसरे की शक्ल देखने के गुजारा नहीं कर रहे। इमरान खान के हामी जो है वो पीडीएम के लोगों की, उसकी जमात के लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहते, पीडीएम के लोग जो है इमरान की शक्ल नहीं देखना चाहते, दोनों एक दूसरे को जो है वो जेर करने पर तुले हुए हैं। ये नहीं देखते इनकी इनकी इस कश्म इस सियासी इकदार की कश्म जिस मुल्क के लिए सियासी इकदार की कश्मश कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता इस मुल्क की सलामती को जिक पहुंच गई तो फिर क्या करेंगे आप? कौम कौम को शऊर पैदा हो गया, ये जमकटे ये बड़े बड़े जो है मतलब अब कौम बनने जा रही है, ग्रो से निकलने जा रही है, वो देख रही है। बहुत से लोग पहले जो थे सियासी नारों के पीछे गए वहां पे, लेकिन अब कौम देख रही है कि आज जितने भी सियासदान, चाहे वो हुकूमत में है चाहे वो अपोजिशन में है मतलब है, ये सभी जो है अपने अपने इकतदार की खातिर जो है इस मुल्क की सलामती को दांव पर लगाया हुआ। डॉक्टर साहब चलिए माशी तरफ चलते हैं, और क्या हमारा मुल्क आप समझते हैं कि जो पहले ही माशी अबतरी और सियासी इंतशार का शिकार है, वहाँ ऐसे किन इकदामात की ज़रूरत करनी पड़े जिससे मुल्की इस्तेहकाम में इजाफा हो? देखिए मैंने जो अर्ज किया, मैंने पहले अर्ज कर दिया मतलब कि होना ये चाहिए, पहले होता ये था कि जब कभी मुल्क के अंदर सियासी जमातों के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार पैदा होता था, उसमें बहुत दूरी पैदा हो जाती थी, तो फिर स्टेबलिशमेंट फौज के जो लोग होते थे ये इनको आपस में बैठाते थे, एक मेज पे बैठाते थे, फिर कुछ मुतालबे उनके माने जाते थे, कुछ हुकूमत के माने जाते थे, कुछ अपोजिशन के माने जाते थे, तो मामला सुलह जुई की तरफ चलता था। अब मसला ये है कि अब हमारे यहाँ जनरल बाजवा के आखिरी वक्त, जो उसके टेन्योर के आखिरी वक्त में फौज के खिलाफ इस कदर प्रोपेगेंडा हो गया कि फौज अब अपना जो उसका जो इमेज खराब हुआ है उसको बिल्टअप करने के लिए पीछे बैठी हुई है, वो आगे आना नहीं चाहती। अब बताइए कौन सा ऐसा अदारा होगा, अदलिया जो है, अदलिया से या तो अदलिया से गुजारिश की जाए कि अदलिया जो है वो ऐसा करे, क्योंकि मुल्क है हमारी अदलिया है, मुल्क है तो हमारी सब चीजें हैं, इकतदार भी है, फौज भी है, पुलिस भी है, इस मुल्क की खातिर इन सबको बिठाना चाहिए और बिठा के ऐसा को रास्ता तलाश करना चाहिए मुत्तफिका तौर पे, जिसके ऊपर मुल्क जो है एक ऐसी रश पे चल पड़े, ऐसे रास्ते पे चल पड़े कि इसके ऊपर जो साए, भयानक किस्म के साए जो इस पे जो छा रहे हैं मतलब है, उससे ये छट जाए, उससे निजात मिले। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपको, एक और मसला बताऊँ आपको, और वो एक और मसला ये है कि जनाब हमारे सदर साहब, सदर जनाब अलवी साहब ने इंतखाबात का ऐलान करके इलेक्शन कमीशन के तनाज़े शुरू कर दिया है, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये बड़ा ज़बरदस्त आपने सवाल किया है। बात यह है कि वाकई पहले ही मुल्क उसी माशी अबतरी और सियासी अबतरी के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर आज ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के अंदर यानी सदर का, सदर भी एक पार्टी बन जाए। सदर और गवर्नर हमेशा गैर जानदार रखे जाते हैं आइन के तौर, आइनी तौर पर भी। अब यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हुकूमतें बनती हैं तो अपनी जो मेजॉरिटी में होती हैं तो अपना सदर भी लाती हैं, और उस सदर के तौसत से अपने सूबे के अंदर गवर्नर भी बनाती हैं। लेकिन इसके बावजूद, सदर बनाने के बावजूद, सदर का मनसब ये होता है कि वो अपनी जिस पार्टी से मुंतखब किया है, उस मनसब पर वो लाए हैं, वो उसके बाद वो किसी का नहीं, वो तमाम मुल्क का सदर बने, तमाम मुल्क का सदर बनना चाहिए। पार्टी की यानी कोई ऐसा काम ना करे जिससे पता चले कि ये पार्टी यानी किसी पार्टी की हमायत हो रही है। हमारे सदर अलवी साहब जो हैं वो बार बार जो है वो जमान पार्क में तशरीफ लेके जा रहे हैं,
इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के लिए बारे में आईन ने बड़ी वाजे हदायत दे रखी है कि जब असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएं तो 90 दिन के अंदर जो है वो असम्बली के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और वो इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमिश्नर की है, इलेक्शन कमीशन ऑफिस की है, ना कि सदर सदर के दफ्तर की है। उन्होंने जो 57-20 जो का जो हाला दिया है उसके अंदर भी यानी ऐसी जिम्मेदारी नहीं कि उसे पढ़ के देखें आप, ऐसी जिम्मेदारी नहीं। अब ये मामला एक नया शुरू हो जाएगा क्योंकि सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था कि आप मेरे पास आए और इलेक्शन कमीशन के बारे में यानी इलेक्शन की तारीखों के बारे में आपसे बात करनी, यानी इलेक्शन हो, 2 सूबे में इलेक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने बकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन में एक आइनी अदारा है। और फिर दूसरी बात यह कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है ये इमरान खान साहब ही के मुंतखब करता है, इन्हीं के भेजे हुए जो सुल्तान अहमद जो है। अब आप ये देखिए, उन्होंने कहा कि उन्होंने बकायदा तौर पे सदर साहब को खत का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि कानूनी तौर पे हम आपसे मिलने के मतलब आपसे मिल नहीं सकते हम आपसे, कि हम आपको आके तारीख इलेक्शन कराने की तारीख दें। अदालत ने भी पूछा, अदालत ने भी कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने इलेक्शन करवाने के लिए फंड मांगे हुकूमत से, हुकूमत ने इनकार कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी माशी हालत बहुत खराब है। सिक्योरिटी की बात की तो सिक्योरिटी वालों ने इनकार कर दिया कि हमारे पास मुल्क में वैसे ही दहशतगर्द के बड़े हमले हो रहे हैं, हमारे पास अमला नहीं है कि हम आपको अमला दे सके। अदालतों से जिक्र किया कि हमें यानी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर चाहिए हमें, मतलब है जो इलेक्शन करवाए हैं हमें, मतलब है। अदालतों ने भी इनकार कर दिया, कहा हमारे पास मुकदमों का बड़ा बोझ है, हमने दे सकते। अब मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन पर कहाँ से इंतखाब कराएगा? ये इलेक्शन कमीशन का एक मसला है। आप इलेक्शन कमीशन के इस जो मुश्किलात, जो इलेक्शन इलेक्शन करवाने के लिए जो चीजें मतलूब हैं वो उनकी फुलफिल करें आप इलेक्शन कमीशन की, उसके बाद इलेक्शन कमीशन से पूछें आप। जब आपने उनको पैसे भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं दे रहे आप उसको, सिक्योरिटी भी उनको आप मुहैया नहीं कर रहे आप, और आप उनको जो जो स्टाफ है वो भी उनको आप नहीं मुहैया कर रहे, फिर इलेक्शन को कहाँ कराएं? कागजों के ऊपर, हवा के अंदर इलेक्शन? मतलब डॉक्टर साहब, ये तो फिर मामला ये हो गया ना कि अगर आईन, अभी आपने कहा कि आईन जो है वो कहता है कि 90 दिन में आप इलेक्शन करा दें, और अगर हुकूमत और बाकी के जितने भी इदारे हैं अगर वो इनको फराहम नहीं करते हैं, और इलेक्शन कमीशन कहता है भाई हमारे पास तो फराहम ही नहीं है ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब तो इलेक्शन नहीं होंगे। और जो अपोजिशन है इस वक्त, उनका डिमांड, सबसे बड़ा डिमांड यही है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो फिर एक एक जगह पर बैठ के क्या बातचीत हो सकती है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि जब ये तीनों, जब इलेक्शन कमीशन ने जो कहा कि हमें हर पर ये तीनों जो मैंने आपके सामने रखी चीजें, तो होनी चाहिए कि अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन खुद मिलके ये अपोजिशन के साथ ये अदालत में जाए, अदलिया से काउंटेंट करें, अदलिया से कहें ये मामला हो रहा है। और लाजमी बात है कि अब सदर साहब ने तारीख दे दी है, अब एक तरफा तौर पर जिसके वो अथॉरिटी नहीं रखते थे उन्होंने दे दी है, अब ये मामला अदालतों में चलेगा, अदालतों में जाएगा, इलेक्शन तो फिर भी नहीं हो सकेंगे। मंदी का तकाजा तो ये है ना कि भाई अदालतों से रुजू करते, और सदर साहब बकायदा तौर पर ये बात है। अब सदर साहब ने जल्दी पे तेल तेल छिड़क दिया, अब मजीद मामला लंबा तवील तवील हो जाएगा और अदालत अख्तियार करेगा। फिर अब जब अदालतों में चला जाएगा तो फिर तो लंबा मामला हो गया। इसका मतलब कि अभी कोई पाकिस्तानी आवाम जो है कोई भी इलेक्शन के दूर दूर तक कोई निशानी नजर नहीं आ रही है। देखिए ना, मुझे आप बता दीजिए, मैंने आपके सामने दलील के साथ आपके सामने उन्होंने बात रखी है, आपके सामने दलील से बात रखी, ये मामला फिर अदालतों में जाएगा ना, फिर ये मामला अब आप देख लेंगे, चंद दिनों में मामला ये अदालतों में होगा, अदालतों में जाएगा, सदर साहब के इस जो ऑर्डिनेंस को है इसको चैलेंज कर दिया जाएगा, फिर अदालतों में चला जाएगा। ये मुल्क को बजाय कि आगे बढ़े जाने के, पीछे से हम खींच रहे हैं इसे, मतलब खुदा ना खास्ता जो हमारे बारे में जो हमारे दुश्मनों के जो अजायम है, ये तो खुद हम उनको खुद अपने थाली में रख के उनके अजायम पूरे कर रहे हैं। हाँ यही तो हमारी, यही तो हमारी बदनसीबी है यहाँ पे, मतलब कि किसमें या किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं, सारे शहर किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? ये यही मेरा भी सवाल है आपसे कि अगर वो सारी जो इलेक्शन कमीशन एक डिमांड कर रहा है उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही हैं, ऑपोजिशन एक डिमांड कर रहा है उनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, जनाब सदर साहब अलवी साहब उन्होंने तारीख ऐलान कर दी। आपको एक चीज मैं और बताता हूँ, ये देखिए ना हमारे मुल्क में क्या खलवाड़ चल रहा है, जब चाहा असेंबली तोड़ दी, ये मामूली बात है असेंबली तोड़ देना, अच्छा पहले इस्तीफे दे दिए,
इमरान खान साहब की पार्टी लोगों ने धड़ाधड़ इस्तीफे देने शुरू कर दिए और चैलेंज करना शुरू कर दिया कि स्पीकर हमारे इस्तीफे मंजूर करे। स्पीकर कहता था जी कि आप मेरे पास आए, अकेले अकेले आए, मैं बात करूंगा, नहीं हुई बस। जब उन्होंने गेम शुरू की मतलब तो स्पीकर ने फौरी तौर पर थोक के हिसाब से इस्तीफे मंजूर कर लिए। अब दोबारा ये गए अदालत में चले गए जी हमारे इस्तीफे मंजूर ना किए जाए। भी जब आपने इस्तीफे दे दिए थे तो स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। हाँ जी, ये दोनों तरफ से गेम हो रही है, हुकूमत की तरफ से भी गेम हो रही है, अपोजिशन इमरान खान की तरफ से भी हुकूमत हो रही है। और ये इनकी जल्दबाजी के फैसले इन्होंने कहीं छोड़ा नहीं। क्या मुल्क कैसे चलते हैं? परवेज राई साहब जो थे वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं थे, मजबूर कर दिए गए असेंबली तोड़ दी जाए। असेंबली तोड़ी उन्होंने अपनी सर को बचाने के लिए, वो इमरान के साथ हैं क्योंकि वो अकलियत में है, वो चंद मेंबर की वजह से वजीर आला बन गए, वो उनकी जरूरत थी इमरान खान की। उसके बाद जब चाहे उन्होंने असेंबली तोड़ दी, जब चाहते हैं असेंबली तोड़ देते हैं, जब चाहते हैं इस्तीफे दे देते हैं, जब चाहते हैं इस्तीफे मतलब है। अब मैं मुझे ये बताइए, अगर कल इलेक्शन हो जाता है, फर्ज करें इलेक्शन हो जाता है और इलेक्शन के अंदर ऐसे नतज आ जाते हैं कि एक या दूसरा ग्रुप जो है वो कहते हैं हम इस इलेक्शन को नहीं मानते, इमरान खान साहब ने तो ये किया था ना, जब नवाज शरीफ के जमाने में वो नहीं मानते इलेक्शन मान रहे थे, कभी 35 पंक्चर लग गए। मसला ये है कि इमरान खान साहब बयान दे देते हैं, फिर हर बयान से ये वापस आते हैं, 35 पंक्चर से भी ये वापस आए। हालांकि उस जमाने में हमारे सी पैक के सिलसिले में हमारे चीन के सदर आ रहे थे, उसको दौरा मनसूख करना पड़ा। इस सारे खत्ते में आपका एक दोस्त चीन तो है आपके पास, उसको भी आपने नाराज कर रखा। आप देखिए, हर कोई आपको ये कह रहा है, आपके अपने जितने भी दोस्त हैं सब आपसे नाराज हैं, सऊदी अरब भी आपसे नाराज है। कल किसी ने सोचा है कि सऊदी अरब जो है हमारे ये सबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, ये क्या वजह है कि इनको गोली लगी, इनके ऊपर कोई सऊदी अरब का या यूएई का या कोई अरब मुल्कों का कोई सफीर इनका हाल पूछने भी नहीं आया। हालांकि अरब जो है, मैं अरबों के साथ मैंने बड़ी उम्र गुजारी है, आप वो तो इस मामले में बड़े आगे आते हैं हाल पूछने के लिए। इस मामले में कोई इनका हाल पूछने नहीं आया, वो एक अलग स्टोरी है, फिर किसी और प्रोग्राम में आपको बताएंगे। सऊदी भी हमारे से नाराज बैठा हुआ है, उनके पास भी बड़े जाकर उनकी मिनट समाप्त करनी पड़ी और जाके उनको मनाना पड़ा सऊदी को भी, इमरान खान साहब की कैसी हरकत की वजह से। यूएई का भी यही हाल है। अब जिस पार्टी से भी मैं मिलता हूँ, जिससे बातचीत होती है, वो अपने दलील अपने दलाइल पेश करते हैं। और बस मेरी तो यही दुआ है, डॉक्टर साहब वक्त की भी कमी है हमारे पास, मेरी तो यही दुआ है हमेशा की तरह, अल्लाह सुब्हान तआला हमारी सरजमीन को हमेशा और हमेशा सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, हमारी पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद। मैं गुजारिश कर दूं कि दुआएं तो बहुत हैं अपने वतन के लिए, लेकिन आप याद रखें कि अगर हमारा हम गाड़ी में बैठ जाएं, हमारी गाड़ी का रुख जो है जुनूब की तरफ हो, जाना हमने शमाल की तरफ हो, तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के दुआएं करें या अल्लाह से शमाल की तरफ भेज, शमाल की तरफ भेज दे, गाड़ी जाएगी शमाल की तरफ। ईमान पक्का होगा ना आपका, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपका शुमाल की तरफ चली जाएगी गाड़ी सर। ईमान पक्का होना चाहिए, ईमान। अगर हमने अपना ईमान ही कच्चा कर दिया और सारी बातें मैंने आपसे कही है, मुझे ये बताइए कहाँ आपको ईमान नजर आया? बस वही मैं कह रहा हूँ ना, ईमान ईमान पक्का कैसे काम दिया, पूरी तारीख पढ़ ले हमारे दीन की सर। पाकिस्तान में तमाम सियासतदानों को यकीन करें इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार समझता हूँ, उसमें एस्टैब्लिशमेंट को भी मैं छोड़ता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट में भी कुछ अफराद इसके अंदर शामिल है। हमने मिलकर इस मुल्क को बर्बाद किया, हमने इस मुल्क को लिया था अल्लाह से इस उफ़ बिल अहद से कि अल्लाह कलमा तुम हमें ऐसा खत्ता दे, 27 रमजान की शब को मुबारक शब को ये खत्ता में दिया गया। हमने अल्लाह से वादा किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने क्या किया, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा माशाल्लाह। और ये नहीं 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 ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, माशाल्लाह भी जब आता है तो वो अपने पाकिस्तान, मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि करोड़ों पाकिस्तानी जो हैं अभी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ चलते हैं, और हमारे अफवाज में भी बेइंतहा ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं। हमारा झूमर है, आप यकीन कीजिए, खुदा ना करे अगर पाकिस्तान वहाँ वर्दी पहनी हुई है ना डॉक्टर साहब, बच्चियों बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, जिसने भी वर्दी पहनी हुई है। लेकिन हमने हमने चंद अफराद की खराबी वजह से सारी फौज को बर्बाद कर दिया ना, गुनाह यानी उनको हमारी हुई साहब, ये आई डोंट बिलीव दैट पाकिस्तानी फौज बर्बाद नहीं हुई है। हम कितना ब्लेम करते हैं,
ये प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया भर में। फौज उनका काम कर रही थी, जब तक फौज का काम कर रही थी तब तक एक एक पेज पे थे, और जब जुई हुई तो सारी आप अफराद के खिलाफ होते ना, आप तो सारी फौज को आपने लपेट लिया। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी भी अभी भी पाकिस्तान ने फौज आज भी कुर्बानियां दे रही है, आज भी अपने दहशतगर्द के खिलाफ सामने डटी हुई है, आज भी उसने मतलब चारों तरफ से इस मुल्क की सरहदों को अपनी जानों की कुर्बानी नजराने दे रही है फौज तो। ये बात चलती रहेगी ऐसे बहुत सार, और हमेशा की तरह दिल तो नहीं चाहता कि डॉक्टर साहब से मैं इजाज़त चाहूँ, मगर वक्त की कमी की वजह से मैं इजाज़त चाहता हूँ, मगर पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, सुर्ख रू होगा, फैले फूलेगा। पाकिस्तान जैसे आपने कहा अफवाज चारों तरफ पाकिस्तान को घेरे हुए है, वो अपनी जानें भी दे रहे हैं और इसके साथ साथ मुल्क की सरजमीन का हिफाजत भी कर रहे हैं, उनके बगैर कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है उनके बगैर। तो सियासतदान तो आते जाते रहते हैं दुनिया भर में, कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, मगर पाकिस्तान एक जैसे सरजमीन कायम दायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला, फले फूलेगी। डॉक्टर साहब इजाज़त, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।